देख सकते हैं अभी हमने ये हमारा मेन फाइनल है, इसमें हम कट कर रहे हैं जब बेटा का, ठीक है। हमारा आगे जो है गवर्नमेंट का ही इश्यू हो गया है, जिसके वजह से जो भी जनरेटर से इसमें पावर दे रहे हैं, देखिए कनेक्शन कर रहे हैं और इसका कैसे कनेक्शन होता है और जनरेटर से कैसे चलेगा, तीन चार मोटर चलाना है, कैसे कितना एम्पियर लेगा, कैसे जनरेटर कनेक्शन होता है, जनरेटर से कैसे प्रतीक होता है, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। इसको एक एक ठो आपको पहले चाह रहा था टाइट करते जाना था। नहीं हो जाना देख सकते हैं अभी हम ये कनेक्शन कर दिए हैं। ये हमारा जनरेटर का केबल है आर और वाई और बी, और ये हमने न्यूट्रल दे दिया है। ये 380 का फाइनल है, इसीलिए हमने 380 के जनरेटर से कनेक्शन दिया है। अगर आपका ये फाइनल जो है अगर 110 का हो, 110 110 110, तो आप इसके जगह पे 380 का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका वजह क्या है, क्योंकि आपका ये देखिए इधर ये जो मोटर दिख रहा है आपका, ये तीन ये जो मोटर दिख रहा है ये आपका 380 से चलेगा, 110 से आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो मोटर जब बांधा जाता है ना तो ये आपका 380 के से हिसाब से वो बांधे हुआ है, ठीक है। आपका जो ये कंट्रोल वायरिंग है या जो भी है देख सकते हैं ये, तो ये आपका 380 के हिसाब से ये तबलून बनाया हुआ है। तो आप 110 110 देंगे तो आपका फिर नहीं चलेगा, आपका बूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको हम ऊपर दिखाते हैं जनरेटर का कनेक्शन होता है कैसे, जनरेटर से और ये कैसे चलता है और इसके आगे क्या क्या करना पड़ता है, इस वीडियो में बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये अभी हमने जनरेटर से ये कनेक्शन करना चालू कर दिया है, ठीक है। ये पूरा कनेक्शन हम कर देते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं इसका डिटेल, ये कैसे चालू होता है और कैसे काम करता है। देख सकते हैं अभी हमने जनरेटर से ये कनेक्शन कर दिया है, देख सकते हैं आप आर वाई और बी, और इधर हमने ये न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे बना रहता है आपका जो जो कलर का है, इधर सेम आप कनेक्शन कर दीजिए। देखिए ये जो जनरेटर है हमारा ये 380 का है, ठीक है। जहाँ आपका जो तबलून होगा, जो फाइनल होगा, अगर आपका 110 का है तो आपको जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा 110 का, ठीक है। और अगर 380 का है तो 380 का जनरेटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इससे उस तबलून में या फाइनल में कनेक्शन देते हैं अगर, तो आपको पूरा वो जो फाइनल है आपका, पूरा फाइनल का आपका जो है आपको वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 220 उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा जो है अभी नीचे आप देखे होंगे वीडियो में, हमारा 380 का है, इसलिए ये जनरेटर 380 का है। अभी हमने कनेक्शन कर दिया है और ये जनरेटर का कैसे चालू होता है और कैसे काम करता है अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप जो है देखिए इसके अंदर है एक स्विच रहता है लाल सा, ठीक है।
आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, यहाँ पे लाल स्विच रहता है। सबसे फर्स्ट आपको इसको ऑन करना है और इसको ऑफ भी करना है। अगर ऑफ नहीं करेगा तो इसका जो बैटरी होगा आपका, जो स्क्रीन पर जो पावर आता है, बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसको हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखिए, सबसे फर्स्ट ये जो है आपको इस तरीके से ऑन कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने ऑन कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो है, देखिए यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, ये है इमरजेंसी बटन, ठीक है। इसको जो है इस तरीके से पुश करिएगा, आपका जनरेटर इमरजेंसी में बंद हो जाएगा। इसको ऑन करना है, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, इस तरीके से आपको पुश करके इस तरीके से घुमा देना है। ये आपका इमरजेंसी का हो गया, ठीक है। देखिए अभी आपका यहाँ पे जनरेटर अभी हमारा, देखिए अभी ओके नहीं हुआ है। देखिए इधर थोड़ी देर में देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी लिख रहा है स्टॉप। देख सकते हैं अभी हमारा स्क्रीन पे ये पूरा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो देखिए, ये आपका जो ये पंजा का निशान दिख रहा होगा, ये उंगली का, सबसे पहले फर्स्ट आपको इधर ये पुश करना है, ठीक है। पुश करने के बाद ये जो आपका ये जो हरा कलर का दिख रहा होगा, इसको आपको पुश करना है इस तरीके से। देखिए पुश करने के बाद ये जो 13 सेकेंड के बाद ये चालू हो जाएगा, 13 सेकेंड लेता है। देखिए ऊपर में यहाँ दिख रहा होगा सेकेंड चल रहा है, 13 सेकेंड के बाद ये जनरेटर चालू हो जाएगा। बस 1 सेकेंड 2 सेकेंड, देखिए 0 हो गया, जनरेटर देखिए चालू हो चुका है। जनरेटर चालू होने के बाद देख सकते हैं यहाँ ये करंट देने के लिए रेडी है बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट, ये एन और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरेटर अभी आपका रेडी है। सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, जनरेटर चालू हो जाने के बाद सबसे फर्स्ट आपको मीटर से यहाँ पे पावर अपना चेक कर लेना है, जिसका पावर जनरेटर बराबर दे रहा है 380 या नहीं दे रहा, न्यूट्रल दे रहा है या नहीं दे रहा। मीटर से देखिए चेक कर रहे हैं, देखिए आपका जनरेटर का है, देखिए 380/440 आ रहा है, ठीक है, और 220 भी आ रहा है, ओके है यहाँ से हमारा। अब चलिए नीचे आपको दिखाते हैं, नीचे भी सेम आपको इस तरीके से ब्रेकर पे सबसे फर्स्ट आपको चेक कर लेना है, पावर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बाद आपको मेन ब्रेकर ऑन करना है। देख सकते हैं ये हमारा मेन ब्रेकर है, यहाँ पे हमने पावर चेक कर लिया है। एक फेस पे एक न्यूट्रल पे डाल रहे हैं तो 220 आ रहा है, देखिए 3 फेस पे आ रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेन ब्रेकर पे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेकर को आपको ऑन करना है। इसके बाद ये जो हमारा मोटर का जो पैनल है, यहाँ पे भी हम जो है इस तरीके से हम पावर चेक कर लेंगे, देख सकते हैं पावर हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना ब्रेकर को ऑन यहाँ से कर दीजिए, ऑन करने के बाद अपना मोटर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से ऑन करवा,